आपने पूछा कीड़े मार दवाई का स्प्रे किया जा रहा और इसी दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो क्या सिर्फ हाथ धो करके नमाज अदा की जा सकती है या गुस्ल करना होगा। देखिए कीड़े मार दवा में अगर कोई गलीज दवा इस्तेमाल ना हो रही हो, मसलन अल्कोहल या स्प्रिट वगैरह, तो ऐसी सूरत में तो खाली आप हाथ धो करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कीड़े मार दवा में कोई ऐसी अदवियात हों जैसे कि अल्कोहल है या स्प्रिट है और वो आपके कपड़ों पर अगर लग गई और आपके कपड़ों पर स्प्रे हो गया तो जाहिर है कि कपड़े नापाक हो जाएंगे और आप यानी वो नापाकी वाला गुस्ल तो नहीं बल्कि जो गलाजत अल्कोहल या स्प्रिट की आपके बदन पर लगी हो उसको पाक करने के लिए फिर आपको गुस्ल करना पड़ेगा। या अगर आप कपड़े पहने आपके बदन पर ना लगी कपड़े पर लगी तो जाहिर है कि हाथ मुंह धोने पड़ेंगे या जहां वो दवा लगी उनको धोया जाएगा। और शर्म तो इस पर वो गुस्ल जो नापाकी का है वो तो असलन नहीं, लेकिन ये जब है जबकि कीड़े मारने की दवा में कोई ऐसी आमेजिश हो कि जो नापाक हो, वरना खाली आप जो है बावजू हो तो ऐसी सूरत में आप कुल्ली करके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं।